और चलिए अब बात करते हैं होली की। होली के खास मौके पर आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा बड़े हमले की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर ने फौजियों के हथियार लूटने पर इनाम का ऐलान कर दिया है। होली पर बड़े हमले का साया, साजिश रच रहा है लश्कर ए तैयबा। खुफिया विभाग ने किया खुलासा। जी हां, खुशी के त्योहार होली पर आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। लश्कर ए तैयबा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से मिलकर भारतीय सुरक्षा बलों और कश्मीर समेत अन्य सीमावर्ती राज्यों में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक लश्कर कमांडर अबू दुजाना सेना और अर्धसैनिक बलों के कैंप पर बड़े हमले की फिराक में है। कॉल इंटरसेप्ट और कुछ आईपी एड्रेस को ट्रेस कर पता लगाया गया है कि आतंकी सेना पर हमला कर हथियारों का जखीरा लूटना चाहते हैं। खुफिया एजेंसी के मुताबिक अबू दुजाना ने हमला करने के लिए लश्कर कमांडर से फंडिंग और हथियार की मांग की है। खुफिया एजेंसियों ने भारत सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में सतर्क रहने को कहा है। पाक हैंडलर से आतंकी अबू दुजाना की बातचीत में खुलासा हुआ है कि उसके पास 10 आतंकी के ग्रुप हैं। उसके 10 आतंकियों के ग्रुप के पास बहुत कम हथियार है। सेना कश्मीर में छुपे दुजाना के खूंखार साथियों अबू खालिद, अली और एहसान की तलाश कर रही है। वहीं खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि दुजाना को भारत में हमले के लिए पाकिस्तान से उसका आका सैफुल्ला साजिद निर्देश दे रहा है। साजिद ने उसे सेना से AK-47 लूटने पर 1,00,000 रुपए इनाम देने की पेशकश की है। आपको बता दें कि अबू दुजाना को 5 महीने पहले लश्कर का टॉप कमांडर बनाया गया था। दुजाना को अबू कासिम की मौत के बाद कमांडर बनाया गया है। पिछले साल उधमपुर में सेना के काफिले पर हुए हमले में वो शामिल रहा था। उसके सिर पर 8,00,000 रुपए का इनाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।